पानी के टैंकर की चपेट में आकर मनपा स्कूल से घर जा रहे बालक की दर्दनाक मौत हो गई। यह हादसा सोमवार सुबह ताजाबाद की आजाद कॉलोनी के पास हुआ। घटना से कुछ देर के लिए तनाव निर्माण हो गया। मृतक 8 वर्षीय मोहम्मद अयान मोहम्मद इरफान है। अयान मनपा स्कूल में तीसरी का छात्र था। 16 दिसंबर से मनपा स्कूल आरंभ हुई है। बताया जा रहा है कि अयान सोमवार सुबह स्कूल गया था। सुबह 11:30 बजे सहपाठी के साथ घर लौट रहा था। गुलशन चौक के पास पानी का टैंकर क्रमांक MH40Y1478 गली से गुजरा। अयान टैंकर के पिछले पहिए की चपेट में आ गया। उसे गंभीर जख्मी अवस्था में करीब के नंदनवार हॉस्पिटल में भर्ती किया गया, जहाँ उसने दम तोड़ दिया। इस घटना से कुछ देर के लिए परिसर में तनाव निर्माण हो गया। सकरदरा पुलिस ने टैंकर चालक हमीद खान अब्बास खान सिंधी बन को गिरफ्तार करके मामला दर्ज किया है। अयान के पिता ऑटो चालक है। उनके अयान के अलावा 2 बच्चे हैं। इस घटना से परिसर में शोक की लहर है। परमात्मा एक दवाखाना आजाद नगर कॉलोनी राजबाग परिसर याच्यामध्ये काल हा दुर्दैवी अपघात झालेला आहे। त्याच्यामध्ये एक 407 टँकरचा नियमितपणे तिकडे पाणी पुरवठा करायचा आणि त्या टँकरच्या चाकात येऊन एक लहान मुलगा आहे 8 वर्षाचा, तो काल जबरदस्ती झाला आणि त्याच्यानंतर उपचारादरम्यान त्याचा मृत्यू झालेला। कॅमेरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पानसी, BCN News नागपूर।